नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस योग पर आधारित सत्र योग शक्ति में। मैं हूं तन्वी खुराना। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम यहां हाजिर होते हैं, लेकर आते हैं एक विषय जिससे जुड़ी कुछ योग की क्रियाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं, और हम उम्मीद करते हैं प्रतिदिन आप हमारे साथ योग करते होंगे, इस कार्यक्रम को देखते होंगे और आपको इससे बहुत फायदा भी होगा। आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है योग फॉर गुड पोस्चर। गुड पोस्चर एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, ये टर्म, इसे हम क्या समझते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, बहुत सारा सवाल है मेरे पास जो मैं पूछने वाली हूँ हमारी आज की मेहमान से। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो जल्दी से हम तक पहुँचाइए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर जो कि है NCERT ऑफिशियल, उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। 8:45 तक हम यहां मौजूद रहेंगे और बहुत सारी योग की क्रियाएं जो गुड पोस्चर से जुड़ी हुई हैं आप तक पहुंचाई जाएंगी। आइए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ हैं मिस रुद्राक्षी तोमर। स्वागत है मैम आपका। मैम है जूनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम CSIR जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हमारे साथ मौजूद है एक डेमोंस्ट्रेटर जो हमें हर एक योग की क्रिया स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, समझाएंगे। स्वागत करते हैं वंशवीर चौधरी का। स्वागत है वंश आपका। वंश है MSc स्टूडेंट मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जा रहा है CIET NCERT के माध्यम से, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का पूरा पूरा श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग को। और इस कार्यक्रम को आप हमारे साथ ज़रूर देखिए, और कोई भी सवाल हो तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा mdniy@yahoo.co.in। तो चलिए समझते हैं गुड पोस्चर को, और समझते हैं कि अगर गुड पोस्चर है तो बैड पोस्चर भी होना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और सिमिलैरिटीज़ भी क्या है, आइए मैम से जानते हैं। मैम जी, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पोस्चर क्या है। अभी आप ये शो जिस पोस्चर में बैठ के देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, जिस भी एंगल में खड़े हैं वो आपका पोस्चर है। अब वो पोस्चर आपका गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि अभी आप जिस पोस्चर में हैं वो पोस्चर आपका गुड है या बैड? तो गुड पोस्चर के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपका जो बॉडी वेट है वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में। सेकंड, एक ओरिजिनल पोजीशन होती है बॉडी की, जैसे स्पाइन का नेचुरल एस शेप कर्व होता है, और आपके शोल्डर का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, लेग का लोकेशन होता है, वो अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो उसे हम बैड पोस्चर कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आपका ये आप पोस्चर मेंटेन करे हुए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये बैड पोस्चर हो गया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप बैठे बैठे लीन हो जाएं वन साइड, हम इसे बैड पोस्चर कह देंगे। लेकिन नहीं, ये भी गुड पोस्चर है अगर ये मेंटेन कर रहे हैं आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए। हमारी बॉडी कुदरत ने ऐसी ही बनाई है कि बहुत ही सक्षम है सब चीज़ों को करने में, लेकिन अगर आप उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब पोस्चर को ज़्यादा देर के लिए मेंटेन रखते हैं तो वो बैड पोस्चर कहलाएगा। तो गुड पोस्चर तो आप समझ गए हैं, बैड पोस्चर हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बैड पोस्चर में आजकल बहुत चल रहा है काम की वजह से छोटे बच्चों में एक स्लाउचिंग, बैठे बैठे कंधे झुका लेते हैं, कमर झुका लेते हैं। स्लाउचिंग के साथ हंच बैक भी है, अपर बैक हल्का सा हंच रहता है, बेंडेड फॉरवर्ड रहता है, आगे आपका जो हेड है वो हल्का सा टिल्टेड फॉरवर्ड रहता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम है तो हेड आगे रहता है थोड़ा सा, जिससे आगे और प्रॉब्लम हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक स्वे बैक का भी एक ट्रेडिशन चल रहा है जिसमें हल्का सा आपके बटक्स पीछे रहते हैं। ये सब ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, इसमें आपका बॉडी का नेचुरल पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है। इससे क्या हो सकता है? अब अगर आपका नेचुरल पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात पेन रहेगा। आप किसी भी पोस्चर में, अननेचुरल पोस्चर में बैठ जाएं 5 से 10 मिनट, जहाँ पेन होगा आपको पता लग जाएगा वहाँ का एरिया आपका ओरिजिनल पोजीशन में नहीं था। तो सबसे पहले पेन होगा, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, या स्पाइनल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है।
अगर नेक पेन है तो वो धीरे धीरे बढ़ के सर्वाइकल हो सकता है, बहुत कॉमन है आजकल। स्पाइन में, लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वो सियाटिका में चेंज हो सकता है। स्पाइनल डिसफंक्शनिंग में क्या होगा आपका, अगर आप रेगुलरली स्लाउच करके बैठे हैं तो आपके बोन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो गैप है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपके बोन्स एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, टच होंगे तो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगेन आपका समस्या बढ़ेगा। कोई भी नर्व पिंच हो सकता है, पूरे पैरों में दर्द हो सकता है या पूरी बैक में पेन हो सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम है, डाइजेशन आपका अफेक्ट होगा इससे, आप स्लाउच करके बैठे हैं तो स्टमक को एसिड रिलीज करने का प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, स्टमक एरिया स्मॉल हो जाएगा, अगर एरिया ही स्मॉल हो गया है तो डाइजेशन भी वीक हो जाएगा। डाइजेशन के साथ साथ एक आपका ब्रीदिंग भी इफ़ेक्ट होगा, अगर आप स्लाउच करके बैठे हैं, हंच पैक के साथ बैठे हैं तो लंग्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, अगर लंग्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है या तो लोअर लंग से आप ब्रीथ करना बंद कर देंगे, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, लोअर लंग से ब्रीथ करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो आपके डिजीज़ वहाँ क्रिएट हो सकते हैं, कोई भी सीरियस, आपका घर का जैसा कोई कोना होता है वो आप सफाई करनी छोड़ दें तो क्या होगा, गंदगी जमा हो जाएगी, वैसे ही आपके लोअर लंग भी इफ़ेक्ट होंगे। तो पॉस्चर के छोटे छोटे प्रॉब्लम से लेके काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लोर्डोसिस हो सकता है एंड काइफोसिस भी हो सकता है। लोर्डोसिस में क्या होता है, आपका लोअर बैक अगेन प्रॉब्लम होता है, काइफोसिस में अपर बैक आपका प्रॉब्लम रहता है, तो ये सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं जो आपको पॉस्चर की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हम डेली रूटीन में काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज, अलग अलग डिसीजेज के नाम आपने बताए जो कि किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। सो मैम, अगर हमें गुड पॉस्चर मेंटेन करना है तो व्यक्ति किस किस प्रकार की योग की क्रियाएँ कर सकते हैं, क्या आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे आज का प्रोटोकॉल? जी, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोटोकॉल से। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रार्थना से। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, हाथों की ज्ञान मुद्रा हो घुटनों पे। अपने कमर, गर्दन और नितंबों को देख जाएं, आपका वजन समान हो दोनों नितंबों में। लोअर बैक देख जाएंगे, निचला कमर का भाग। अपर बैक देख जाएं और धीरे से कोमलता से आँखें बंद। यहीं से ही गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। एक ओम के पश्चात हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सांस भरें ओम के लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से हाथों की नमस्कार मुद्रा वक्षस्थल के आगे, कोमलता से हाथों में घर्षण करें और दोनों हाथों को आंखों पर रखने के बाद वापस आ जाएं। चलिए योगा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले योगा अभ्यास शुरू करने से पहले हम दोबारा से पॉस्चर देख जाएंगे डेमोंस्ट्रेटर की हेल्प से, कि पॉस्चर में आजकल क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो सबसे पहला आप पॉस्चर देखेंगे स्लाउचिंग, हमारे डेमोंस्ट्रेटर की मदद से आप देख सकते हैं। स्लाउच करना यानी कमर को इस तरह से आगे झुकाना नॉर्मली, और डेस्क जॉब है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नॉर्मली रहता है। वापस आ जाएंगे, दूसरा पॉस्चर देखेंगे हंच बैक, जिसमें अपर बैक सिर्फ बेंडेड रहता है। हंच बैक करेंगे और आगे से हेड भी थोड़ा सा टिल्टेड फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे स्क्रीन के आगे रहता है हेड। सामने देखें और गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ करें। ये आजकल पोजीशन रहती है लैपटॉप पे वर्क करने की। अगर डेस्क जॉब है तो आपका हेड थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये पॉस्चर बहुत ही कॉमन है। साथ ही साथ वापस आ जाएंगे, एक बार राउंडेड शोल्डर देखेंगे, दोनों शोल्डर अंदर की तरफ कर्ल्ड इन रहते हैं, ये भी बैड पॉस्चर है। इसी के साथ साथ आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी पॉट बेली।
पॉट बेली क्या होता है, ये आपका जो पॉस्चर है मेंटेन रहते रहते स्टमक बहुत ही ज़्यादा आगे आ जाता है, एक पॉट के जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ये अभी तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे आपका यह पॉस्चर अगर मेंटेन रहेगा, अगर हंच रहेगा मेंटेन, तो पॉट बेली भी आ सकता है। तो चलिए इन सब को ख़त्म करने के लिए अब हम देखते हैं आज का अभ्यास। शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम के लिए खड़े हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथ जंघा से लगे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, सम स्थिति। पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए श्वास भरेंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए सीधी ओर गर्दन घुमा लेंगे, यहीं से ही सांस भरते हुए वापस सामने की ओर और सांस छोड़ते हुए उल्टी तरफ गर्दन मोड़ेंगे। एक बार पुनः खुद से कर जाएंगे, मध्य में आए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सीधी ओर और आखिरी बार उल्टी ओर। ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में 5 से 6 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं, या ज़्यादा दर्द है अगर आपको गर्दन में तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। वापस आएंगे मध्य में, ग्रीवा शक्ति की दूसरी क्रिया करेंगे, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लाएं और नीचे की ओर ले जाएं। अगेन करेंगे, ऊपर भरें एंड वापस सांस छोड़ें, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर, वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, यहीं से ही रोटेशन स्टार्ट करेंगे, गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें सेमी सर्कल बनाने के बाद थोड़ा रुकेंगे और फिर वापस अगेन पूरा सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। यहीं से ही पूरी क्रिया होने के बाद वापस आ जाएंगे मध्य में। अगली क्रिया है स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। अपने कंधे सीधे रखेंगे, अब सांस पूरा भरेंगे और भरने के बाद मुट्ठियां बना लेंगे और ऐसे ही रोकेंगे और कंधे उचकाएंगे, ऊपर की ओर कंधे उचकाएं और नीचे ले आएं, गर्दन इसी प्रकार से झुकी रहेगी। और ये क्रिया आराम से जब तक कर सकते हैं तब तक करें, शुरू में 10 बार कर सकते हैं। वापस आने के लिए वापस गर्दन सीधी करेंगे और सामान्य स्थिति। दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक के लिए आप अपने हाथों की मुट्ठियां बनाएं आगे की ओर, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, अंगूठा अंदर की तरफ, सांस भरें, पूरा हाथ सामने से उठाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस रोके रखेंगे, 10 बार हाथों को घुमा जाएं पीछे से आगे से पीछे की ओर, और वापस आने के लिए आप एल शेप बनाएंगे हाथ का और छक से सांस छोड़ेंगे। दूसरी तरफ से कर जाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वहीं से हाथों को सांस भरें पूरा, हाथों को सामने उठाएं और पीछे से आगे की ओर ले जाएं। पूरा करेंगे 10 बार, सांस रुकी रहेगी, अगर आपको हार्ट इश्यू है तो सांस नहीं रुकेंगे। 10 बार होने के बाद वापस एल शेप एंड एक्सहेल विद जर्क, रिलैक्स बैक टू सेंटर। अगली क्रिया है कर्पृष्ठ शक्ति विकासक। कर्पृष्ठ शक्ति विकासक के लिए आप हाथ सामने से उठाएंगे आगे की तरफ, आपकी हथेलियां खुली रहेंगी लेकिन सारी उंगलियां मिली रहेंगी, यहीं से ही सांस भरेंगे, हाथ ऊपर की ओर ले जाएं हथेलियों को, और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर, इस तरह से रहेगी पोजीशन। वापस सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर, पुनः सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और नीचे की ओर ले आएं। ये क्रिया सर्वाइकल में अत्यंत लाभकारी है और गर्दन और उसके एरिया के लिए अगर आपको दर्द होता है तो इस क्रिया को करने से आपको लाभ मिलेगा। वापस आएंगे मध्य में और सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति के बाद एक बार श्वास प्रश्वास देख जाएं, अपना पॉस्चर वापस देख जाएं, कंधे देख जाएंगे, लोअर बैक देख जाएंगे। चलिए दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्रिया है आपकी वक्षस्थल शक्ति विकासक। वक्षस्थल शक्ति विकासक के लिए सबसे पहले वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, यानी कि सम स्थिति। श्वास भरें, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और वक्षस्थल यानी कि चेस्ट का एरिया आगे की तरफ आएगा, और सांस छोड़ते हुए वापस हाथ आएंगे हथेलियां जंघा पर। वापस सांस भरेंगे, हाथ ऊपर की ओर, चेस्ट आउट करेंगे और वापस धीरे धीरे नीचे की ओर,
सेल्फ प्रैक्टिस में से 5 से 6 बार कर सकते हैं। चलिए दूसरी अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जो है वक्षस्थल का ही दूसरा भाग। उसके लिए आप हाथ सामने से उठाएंगे आगे की ओर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और पूरा श्वास भरें और वापस श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले आएं। पुनः एक बार सांस भरेंगे, पूरा पीछे की ओर ले जाएं, चेस्ट को पूरा ओपन करें। हाथ आपके पिछले भाग में इस तरह से मिले रहेंगे, अगर नहीं मिलते कोई बात नहीं, वापस आने के लिए वापस मध्य में और सामान्य स्थिति। दूसरी क्रिया की ओर बढ़ेंगे, कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए पैरों में अंतर रहेगा, कंधों से दुगना अंतर। पैरों में अंतर करने के बाद हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियां पीछे की ओर रहेंगी, अंगूठे आगे की ओर रहेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और पीछे की ओर कमर को मोड़ेंगे निचले भाग से। कोनियों का रुख आपस में मिला रहेगा, एक दूसरे की ओर रहेगा। श्वास छोड़ेंगे आगे की ओर, धीरे धीरे आएंगे और पूरा अभ्यास करें, झुकने की कोशिश करें आगे की ओर, जितना हो सकता है उतना सहज रूप से कर जाएं। वापस सांस भरते हुए मध्य में आएंगे, पूरा सांस भरेंगे और धीरे से पीछे की ओर, यहीं से ही सांस छोड़ें और धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं और वापस पुनः मध्य में आ जाएं और समस्थिति, पैर मिला लें और वापस समस्थिति में आ जाएंगे। चलिए दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं, जो है जानु शक्ति विकासक। जानु यानी के घुटना, घुटनों के लिए करेंगे, क्योंकि आजकल घुटनों की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। घुटने बड़े बूढ़े लोगों के अपने आप मुड़े रहते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं जानु शक्ति विकासक। उसके लिए आप सांस भरेंगे और पैर को थोड़ा सा 30 डिग्री आगे की ओर उठाएंगे। सीधे पैर को उठाएं 30 डिग्री और पीछे करेंगे हिट बैक बटक्स को और वापस सामने की ओर जर्क के साथ, इस तरह से। दूसरे पैर से कर जाएंगे, वापस मध्य में आए, आगे उठाएं विद अ जर्क, बटक्स को हिट करेंगे और सामने की ओर फेंकेंगे पैर को। खुद से 5 बार कर जाएंगे दोनों तरफ से और करने के बाद वापस मध्य में आ जाएं। श्वास प्रश्वास चलता रहे, पोस्चर आप एक बार फिर देख जाएंगे। अगली क्रिया है पादमूल शक्ति विकासक। पादमूल शक्ति विकासक यानी पैरों के मूल भाग के लिए। पैरों का मूल भाग है यानी कि आप उठाएंगे पैरों का मूल भाग, पैर मिले रहेंगे और सांस भरते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, जितना ऊपर उठा सकते हैं। पुनः एक बार उठा जाएं सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। खुद से कर जाएंगे 5 बार और जब आपका 5 बार हो जाए तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। वापस आएंगे मध्य में और अगली क्रिया की ओर बढ़ेंगे। अगली क्रिया है गुल्फ पाद पृष्ठ पादतल शक्ति विकासक क्रिया। चलिए शुरू करते हैं, पैरों में थोड़ा अंतर रखें, पैरों को वापस 30 डिग्री उठाएंगे। अगर आपसे बैलेंस नहीं बनता है इस स्थिति में तो आप कम हाथ कमर पे भी रख सकते हैं। रोटेशन स्टार्ट करेंगे पैरों की क्लॉकवाइज, पूरा करें रोटेशन जितना हो सके, पूरा चक्र बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज कर जाएं। 5-5 बार शुरुआत में कर सकते हैं, बाद में 10 बार तक आप ले जा सकते हैं। वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से कर जाएं, पूरा श्वास भरते हुए चक्र बनाएं और श्वास प्रश्वास चलता रहे। एंटी क्लॉकवाइज कर जाएंगे यहीं से ही और पूरा चक्र होने के बाद 5 बार वापस आ जाएं, विश्राम करें। ये थे आपके कुछ सूक्ष्म व्यायाम शरीर को सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आसनों की ओर। आसनों के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपके पैर मिले रहेंगे, हाथों को जंघा के साथ में सटाए रखें। सामने से सांस भरते हुए हाथ उठाएं और उंगलियों को आपस में मिला लें, हाथ पलट दें, हथेलियां पलट दें और श्वास भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर ले जाएं, एड़ियां उठा दें और अब सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे। स्टार्टिंग में अगर आपके हील शेक करते हैं तो कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा ना उठाएं, कम ही उठाएं, हील्स आपकी आपस में मिली रहेंगी।
और धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं जिस प्रकार से गए थे। हाथों को सामने लाएं, हथेलियों का रुख आपस में मिला लें और वापस सामान्य स्थिति। कोशिश करें जिस प्रकार आप आसन में जाते हैं उसी प्रकार से आएं। चलिए वापस चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अगला आसन है त्रियताड़ासन। त्रियताड़ासन के लिए पुनः उसी स्थिति में आएंगे, श्वास भरें, उंगलियों को आपस में मिलाएं और हथेलियां पलट दें। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरें और हथेलियां ऊपर की ओर, पूरा शरीर को खींचेंगे ऊपर की ओर और यहीं से ही श्वास छोड़ते हुए उल्टी ओर मुड़ जाएंगे, यानी कि साइड बैक से आप थोड़ा सा बेंडिंग करेंगे। वापस पुनः मध्य में आएंगे, सांस भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर से कट जाएं। पुनः एक बार आए मध्य में और दूसरी ओर से कट जाएं। यह आप आसन अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में 5 से 6 बार कर सकते हैं। एक आखिरी बार कट जाएंगे दूसरी ओर से और पुनः मध्य में, जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से वापस आएं। हथेलियाँ सामने, हथेलियों का रुख अपने बॉडी की तरफ, हाथ खोल दें और वापस विश्राम करें। विश्राम के लिए थोड़ा पैरों में गैप रहेगा, हाथ ढीले रहेंगे, आंखें खुली भी रह सकती हैं अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आप बंद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। चलिए दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए वापस आएंगे आप समस्थिति में। समस्थिति यानी दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथ एक्टिव पोजिशन में, थोड़ा सा शोल्डर को रोल बैक करेंगे ताकि बॉडी पॉस्चर सीधा रहे। यहीं से ही दोनों पैरों में गैप कर लें, कितना, डबल द शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि कंधों से दुगना अंतर। श्वास भरेंगे, हथेलियों को साथ से उठाएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए सीधी ओर झुक जाएंगे, आपका सीधा पंजा सीधी ओर रहेगा। झुकने के बाद ऊपर की ओर देखें, अगर आप ऊपर देख के चक्कर आते हैं तो सीधा भी सिर रख सकते हैं। आपके हाथ एक लाइन में रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति को बनाए रखें। वापस आने के लिए मध्य में सांस भरें, वापस मध्य में आएं, धीरे धीरे आएंगे जिस प्रकार से गए थे, पैर सीधा करें, दूसरा पैर मोड़ लेंगे उल्टी तरफ, यहीं से ही झुक जाएं उल्टी ओर, कमर के निचले भाग से झुकेंगे। पोस्चर में आने के बाद सिर को ऊपर ले आएं, दोनों हाथों को चेक कर जाएं, एक लाइन में हों, एक सीध में हों। वापस आने के लिए धीरे से सिर सीधा, शरीर को सीधा करें, हाथों को नीचे करें और पंजे को सामने की ओर, दोनों पैर मिला लें और विश्राम करें। हर आसन करने के बाद शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ें ताकि दूसरे आसन में आपको कोई खिंचाव और तनाव महसूस ना हो। अगला आसन है परिवृत्त त्रिकोण आसन। परिवृत्त त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में अंतर करें उतना ही जितना पहले करा था, यानी कि कंधों से दुगना अंतर। पैर को मोड़ लेंगे, सीधे पंजे को सीधी ओर घुमाएं, पूरा श्वास भरें, हाथ को उठा लें साथ से और इस बार हम ट्विस्टिंग करेंगे। सांस छोड़ें और सीधी ओर झुक जाएं ट्विस्ट करते हुए। इस बार उल्टा हाथ आपके सीधे पंजे के पास रहेगा, दोनों हाथ सीध में। पुनः एक बार सिर को ऊपर की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। वापस आने के लिए सिर सीधा, धीरे से शरीर सीधा, दोनों हाथों को धीरे से नीचे करें और पंजा सीधा कर लें। दूसरी ओर से कट जाएंगे, यही इसका काउंटर पोज है। सांस भरेंगे, पुनः हाथ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। इस बार सीधा हाथ उल्टे पंजे की ओर रहेगा, ये दोनों हाथ एक सीध में, सिर का रुख आसमान की ओर। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहे। वापस आने के लिए धीरे से सिर सीधा करें, पुनः जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएं और विश्राम करें। चलिए बढ़ते हैं बैठने वाले आसनों की ओर। जब आप खड़े होते हैं कोशिश करें हमेशा पोस्चर बनाए रखें। और अब बैठने वाले आसन करेंगे तो बैठने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए सबसे पहले आपको आना होता है दंडासन में। दंडासन में क्या होगा, आपके पैर सीधे रहेंगे, हाथ नितंबों के साथ में रहेंगे और शरीर भी सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। इस स्थिति को आप बनाए रखेंगे। कोशिश करें अगर आपकी लोअर बैक सीधी नहीं हो पाती है तो बार बार प्रेशर डालें सीधा रखने के लिए। चलिए वज्रासन की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे, नितंबों के नीचे लाएंगे,
दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, एड़ियों में अंतर रहेगा, बटक्स उसके ऊपर रहेंगे, हथेलियाँ घुटनों से थोड़ा ऊपर रहेंगी, इस स्थिति में बने रहें। यह आसन इकलौता आसन है जो आप खाने से पहले, खाने के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है या फिर एंकल में इंजरी है तो ना करें। चलिए वज्रासन से बढ़ते हैं हम उष्ट्रासन की ओर। उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर आ जाएंगे यहीं से ही। दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर करें। यहीं से ही श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को एक एक करके अपने पंजों पे रख देंगे श्वास छोड़ते हुए। कमर झुकी रहेगी, सिर पीछे की तरफ लटका रहेगा, ड्रॉप रखें अपने नेक को। और अगर इस पोस्चर में है तो ध्यान दें आप स्टमक को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलेंगे ताकि आपका पूरा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उष्ट के समान स्थिति बनी रहे। वापस आने के लिए धीरे से सिर सीधा करें और हाथों को धीरे धीरे आगे लाएं और पुनः सामान्य स्थिति में और वापस बैठ जाएं। अगर आपको उष्ट्रासन में गर्दन लटकाए हुए चक्कर आते हैं तो गर्दन ना लटकाएं। चलिए अगला आसन करेंगे, इसका काउंटर पोज। काउंटर पोज है शशक आसन। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों में अंतर करें। इसी स्थिति में अपने चेस्ट के जितना अंतर करेंगे श्वास भरें, पूरा हाथ ऊपर उठाएं और आगे की ओर झुक जाएंगे। हथेलियों को सामने रखें, पूरा आगे झुक जाएं, चेस्ट ज़मीन से टच रहेगा, फोरहेड टच रहेगा। अगर आप स्थिति में बने रह सकते हैं तो चिन भी टच कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे से वापस आएंगे जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से और सामान्य स्थिति वापस आ जाएंगे दंडासन में। एक एक करके पैर खोलेंगे और पुनः सामान्य स्थिति। जब भी आप बैठने वाले आसन करते हैं ये स्थिति बनाए रखेंगे दंडासन। विश्राम करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पैरों में गैप कर सकते हैं, पंजों का रुख बाहर रहेगा, हथेलियों का रुख पीछे रहेगा और कमर का वज़न आप हथेलियों पर डाल सकते हैं। गर्दन सीधी रखें, ड्रॉप रखें, पीछे या साइड में कैसे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप अगर थक जाते हैं तो बीच में विश्राम भी कर सकते हैं। चलिए वापस आएंगे एक्टिव पोजीशन में, यानी कि दंडासन। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए पुनः दंडासन में आने के बाद सीधा पैर मोड़ेंगे, पैर का पंजा घुटने के पास रहेगा। यहीं से ही श्वास भरेंगे, अपने हाथ को ऑपोजिट पैर के पास ले जाएंगे और जो पीछे हाथ है आपका पीछे कमर के भाग पे आएगा, सपोर्ट करेगा कमर को। हाथ को रखें, कमर सीधी रखें और पूरा ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। अभी आपका सीधा पैर उल्टा हाथ साथ में है और पीछे देख रहे हैं, श्वास प्रश्वास चलता रहे। यहीं से ही वापस आएं, सिर सीधा करें, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें और धीरे धीरे हाथ करके वापस आ जाएं, पैर सीधा कर लें। दूसरी तरफ से करेंगे, यही इसका काउंटर पोज होगा। पैर मोड़ लें, पंजा घुटने के पास रहेगा। इस बार दूसरा हाथ उठाएंगे, पंजे के पास रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे की ओर रहेगा। ध्यान दें स्थिति का, कमर सीधी रहेगी और प्रॉपर ट्विस्ट करें। अगर आपको इस स्थिति में लगता है कि आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो कर जाएंगे एडजस्ट, अन्यथा बने रहें। वापस आने के लिए धीरे से सिर सीधा, कंधे सीधे, दोनों हाथ वापस आएंगे सामान्य स्थिति में और पैर सीधे कर लें। वापस दंडासन। चलिए यहीं से ही हम लेटने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। पेट के बल आ जाएंगे धीरे धीरे। पेट के बल आने के बाद आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। जब भी क्या होता है, खड़े होने वाले आसन करते हैं, बैठने वाले आसन करते हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है, तो वो तनाव से मुक्त होने के लिए आप थोड़ा सा हर आसन के बीच में विश्राम कर सकते हैं, या जब आप खड़े होने वाले आसनों से बैठने वाले आसनों में आएँ, बैठने वालों से लेटने वालों में आएँ तो भी थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं मकरासन। मकरासन में आपके दोनों पैरों में अंतर है, एड़ियाँ एक दूसरे की तरफ हैं, पंजे बाहर की तरफ हैं, सिर दोनों हाथों के ऊपर ही रहेगा, श्वास प्रश्वास चलता रहे, पूरा इसमें विश्राम करेंगे। यहीं से ही एक्टिव पोजीशन में आएंगे, यानी कि आपके दोनों पैर वापस मिल जाएं और सिर सीधा हो। यहीं से ही बढ़ते हैं भुजंग आसन की ओर। भुजंग आसन के लिए अपने हथेलियों को ले जाएं चेस्ट के साइड में, वक्षस्थल के साथ में।
एड़ियां मिली रहेंगी, पंजों का रुख आसमान की ओर रहेगा, श्वास भरें और अपने शरीर को नाभि वाले भाग तक उठा जाएं। ऊपर देखेंगे, भ्रूमध्य दृष्टि रहेगी, भ्रूमध्य यानी दोनों बाहों के बीच में, आईब्रो के बीच में आप देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पुनः एक बार कर जाएंगे भुजंगासन। श्वास भरें, पूरा उठा जाएं नाभि वाले भाग तक। इसी स्थिति में बने रहें। इसमें आपका कमर पे वजन रहेगा 70%, हाथ पे रहेगा 30%, दोनों आपके पंजे मिले रहेंगे। वापस आने के लिए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे और पुनः विश्राम की स्थिति। भुजंग आसन कमर के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसे करने के लिए अगर आपको कमर में दर्द होता है तो कोशिश करें ये आसन ना करें। आप इसका इजी पॉस्चर भी कर सकते हैं। इजी पॉस्चर देख जाएंगे एक बार भुजंग आसन का। वापस पैरों को मिला लें और इस बार हम कोहनियों के बल उठेंगे। कोहनियाँ आपकी ज़मीन पर रहेंगी और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर चले जाएं। ये आसन है आपका अगेन भुजंग आसन, उसका सरल तरीका करने का। वापस आने के लिए दोबारा सिर को नीचे ले आएं और धीरे धीरे पुनः स्थिति, विश्राम की स्थिति। यहीं से ही हम चलेंगे लेटने वाले आसनों की तरफ। लेटने वाले आसनों के लिए आप आ जाएंगे कमर के बल वापस। अगर आप आसन कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको लगता है कि आपको स्थिति चेंज करनी है तो कोशिश करें सहज रूप से करें, जल्दबाजी ना करें। वापस लेटने वाली स्थिति। यहीं से ही चलेंगे हम अपने अगले आसन की ओर, जो है पवन मुक्त आसन। कोई भी आसन करने से पहले वापस एक्टिव पोजीशन में आएंगे, पैर मिले रहेंगे, हथेलियां जमीन पे रहेंगी और सिर सीधा कमर सीधी। पवन मुक्त आसन की ओर बढ़ेंगे। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ 90 डिग्री एंगल पे। श्वास भरें, पूरा उठा जाएं। यहीं से ही श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे। घुटने मोड़ने के बाद आप अपने हाथों को इंटरलेस करते हुए रखेंगे शिन बोन पे। सांस छोड़ें और घुटने को ले जाएं चेस्ट के पास, सिर को उठा दें। नसिका का भाग दोनों घुटनों के बीच में रहेगा। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ शरीर को भी एक लचीलापन प्रदान करता है। वापस आने के लिए धीरे से सिर नीचे, हाथों को वापस ले आएं ज़मीन पे, पैर सीधे करें और जितना धीरे हो सके उतना धीरे धीरे ज़मीन पे ले आएं पैरों को। ध्यान दें स्टमक के मसल्स आपके एंगेज रहेंगे। हर आसन को करने का तरीका होता है, जाने का तरीका होता है, आने का तरीका होता है। कोशिश करें वो तरीका ज़रूर अपनाएं। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, सुप्त उदर आकर्षण आसन। सुप्त उदर आकर्षण के लिए वापस एक्टिव पोजीशन में आएंगे, पैर मिले रहेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, घुटने मोड़ेंगे, एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं, हाथों को उठाएं अपने शोल्डर के लेंथ पे। यहीं से ही दोनों घुटनों को सीधी ओर गिरा देंगे और सिर का रुख अपोजिट साइड रहेगा, उल्टी तरफ रहेगा। इस स्थिति में बने रहें। आपका उदर आकर्षण आसन कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। वापस सांस भरेंगे, मध्य में आएं और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर से कर जाएं। कोशिश करें वापस मध्य में आएं, घुटने मिले रहें आपके, दूसरी तरफ कर जाएंगे। पूरी ट्विस्टिंग रहेगी, आप इस पोस्चर में मेंटेन भी कर सकते हैं, उसी तरफ गिरे भी रह सकते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। वापस मध्य में आएंगे, घुटनों को बीच में ले आएं और घुटने मिलाते हुए दूसरी ओर से कट जाएं। वापस मध्य में। इसी आसन को करने का हम दूसरा तरीका भी देख जाते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा, कितना अंतर, शोल्डर के जितना, कंधों के समान अंतर। यहीं से ही दोबारा गिरा जाएंगे, घुटनों को सीधी ओर गिरा दें। इस बार आपके घुटने नहीं मिले रहेंगे, आप देख सकते हैं घुटनों में अंतर है। वापस मध्य में आएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। घुटनों में अंतर रहेगा, पंजों में भी अंतर रहेगा और प्रॉपर ट्विस्टिंग करते रहें साइड टू साइड। एक बार पुनः खुद से कर जाएंगे सीधी ओर से।
और उल्टी तरफ से भी। अगर आपके स्पाइन में स्पेस नहीं है या आपको पेन रहता है ऑल टाइम, तो ये आसन आप बेड पे भी कर सकते हैं। कोशिश करें खाने के बाद ना करें, सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं। चलिए वापस मध्य में आएंगे, पैर सीधे कर लें और रिलैक्स करें। अगला आसन है हमारा झूलन लुढ़कन आसन। इसमें क्या करेंगे, आप पैरों को वापस मोड़ेंगे। पैरों को मोड़ने के बाद वहीं से ही आपको एड़ियों को नितंबों के पास ले जाना है। घुटनों को चेस्ट के पास ले आएं और उंगलियां इंटरलेस करते हुए अपने शिन बोन पे रखें। यहीं से ही आप श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे और थोड़ा सा आगे और पीछे झूले की तरह लुढ़केंगे। कमर वाले भाग को इस तरह से करें। अगर आपके कमर से पॉप साउंड आता है ये करते हुए, यानी कि चटाक से साउंड आता है, तो बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डी में अंतर बढ़ेगा इससे। बहुत ही सुंदर अभ्यास, अपने सेल्फ प्रैक्टिस में आप ये 3 से 4 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास भी बढ़ा सकते हैं। चलिए वापस सामान्य स्थिति, साइड टू साइड करेंगे। अब इसी स्थिति में सीधी तरफ लुढ़कें और उल्टी तरफ लुढ़कें। झूलन लुढ़कन आसन नाम से ही समझ आता है, आप इसमें साइड टू साइड लुढ़क रहे हैं या आगे से पीछे लुढ़क रहे हैं। चलिए पूरा करने के बाद वापस मध्य में आ जाएं और पैर सीधे कर लें। पैर सीधे करने के बाद श्वास प्रश्वास चलता रहे। अगर आपको इस आसन में कमर में दर्द रहता है तो कोशिश करें ये ज़्यादा नहीं करें। अगर आपको सियाटिका पेन है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है तो भी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको कमर में दर्द होता है। अन्यथा ये आसन आपके कमर दर्द के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। अभी स्थिति करेंगे शवासन की। शवासन में लेट जाएंगे, आपके पंजों में अंतर रहेगा। कितना अंतर रहेगा? मैट विड्थ अपार्ट। मैट के जितना अंतर रखेंगे, एड़ियों को एक दूसरे की ओर लाएं और पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। शव आसन आपका जितना सुनने में आसान है, शव की तरह ही लेटना है आपको, लेकिन उतना ही करने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप इतना रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है आप ऑल टाइम तनाव में रहते हैं, तो रिलैक्सेशन भी उतना ही मुश्किल होता है। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा शव आसन में। अब शव आसन में ही आप थोड़ा मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। यहीं से ही श्वास भरें, पेट को ऊपर की ओर फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को नीचे की ओर ले जाएं। आपने श्वसन तंत्र पे ध्यान दें, किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। कोई भी विचार आ रहा है उसे त्याग दें अभी के लिए, पूरा श्वास भरने पे ध्यान दें। किस तरह से आपका श्वास अंदर की ओर जा रहा है और आपके पेट वाले भाग को ऊपर की ओर उठा रहा है, श्वास छोड़ते हुए किस तरह से आपका पेट वापस नीचे आ रहा है और धीरे धीरे आप श्वास छोड़ रहे हैं। जितना लंबा गहरा श्वास हो सके उतना लंबा गहरा करेंगे। कोशिश करें 6 सेकेंड कम से कम हो। श्वासों पे ध्यान रहेगा। यहीं से ही धीरे धीरे अपना ध्यान पैर वाले भाग पे ले जाएंगे। पैर वाले भाग पे ले जाने के बाद अपने अंगूठे पे ध्यान देंगे। बंद आंखों से ही आप कर जाएंगे ये सारे अभ्यास। ये आपका मेडिटेशन है, स्लीपिंग मेडिटेशन, इसे योग निद्रा के नाम से भी जानते हैं। योग निद्रा आपका 45 मिनट्स का होता है, लेकिन आज हम बहुत ही शॉर्ट रख रहे हैं इसको। यहीं से ही अंगूठे से दूसरे उंगलियों की तरफ देख जाएं, अपने आंखों से नहीं बंद आंखों से देखेंगे आप। अपने ध्यान को लगाए रखें पैरों की उंगलियों पे। यहीं से ही पंजे के निचले वाले भाग पे ध्यान ले जाएंगे और पंजे के ऊपरी भाग पे। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप बढ़ेंगे शरीर के ऊपर की ओर। शिन बोन देख जाएं, अपने काफ मसल्स देख जाएंगे, घुटने देख जाएं, जंघा की ओर बढ़ेंगे और यहीं से ही दूसरे पैर की तरफ, दूसरे पंजे के अंगूठे को देख जाएं और उंगलियों को देख जाएं, पूरे पंजे की आकृति देख जाएंगे बंद आंखों से। अगर अभी आप ये देख रहे हैं तो आप खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से ही धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। काफ मसल, शिन बोन, थाई मसल, सारा पैर आपको देखने के बाद धीरे धीरे पेरिनियम रीजन की ओर बढ़ेंगे।
पेरिनियम रीजन से धीरे धीरे स्टमक की ओर, चेस्ट की तरफ, लोअर बैक, अपर बैक, जैसे जैसे आपका ध्यान जा रहा है वैसे वैसे आप वहाँ के मसल्स को रिलैक्स करते जाएंगे। यहीं से ही हाथों को स्थिति को देख जाएं, कंधे वाले भाग को देख जाएं, बाइसेप्स देख जाएं, फोरआर्म देख जाएं, हथेलियाँ और सारी उंगलियाँ देख जाएं। यहीं से ही दूसरे हाथ को देख जाएंगे, उसकी हथेली को देख जाएंगे, हिलन चलन ना करें, जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बने रहेंगे। फोरआर्म को देख जाएं, एल्बो, शोल्डर और फाइनली नेक। नेक से धीरे धीरे हेड एरिया पे बढ़ेंगे, चिन, लिप, नोज, चीक, आईज, फोरहेड, धीरे धीरे करके आप सारे अपने मसल्स को रिलैक्स करें। यहीं से ही उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करेंगे, पैरों में हलचल करेंगे, उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए उल्टी ओर मुड़ जाएंगे। शवासन से वापस आने का एक स्थिति होता है, एक अभ्यास होता है, कोशिश करें वो ज़रूर पूरा करें। यहीं से ही हाथों के बल से उठके हुए कमर सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, कोशिश करें इस स्थिति में। हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। यहीं से ही पूरा श्वास प्रश्वास भरें, आंखें कोमलता से बंद करें, हाथों की नमस्कार मुद्रा वक्षस्थल के आगे रखें। पूरा श्वास भरेंगे, तीन बार ओम चैंटिंग करेंगे, तीन बार शांति। शांति शांति शांति। धीरे से बिना घर्षण करते हुए हथेलियों को मुंह पे रखेंगे और धीरे से हाथ वापस ले आए नमस्कार मुद्रा और पुनः सामान्य स्थिति। बेहद धन्यवाद मैम, आपने ये पूरा प्रोटोकॉल हमारे दर्शकों तक पहुंचाया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें अब गुड पोस्चर और बैड पोस्चर के बारे में जब पता चल गया है तो हम उसका आगे आने वाली फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। नाम एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे जाने से पहले। आपने हमें दिखाया बिगिनिंग में कि किस तरह बैड पोस्चर होता है, हम हंच बैक करते हैं, स्लाउच करते हैं तो बैड पोस्चर हो जाता है, ऐसा अनजाने में हो जाता है। तो जो ऑफिस गोइंग्स होते हैं लोग और होम मेकर्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, क्या योग के अलावा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे उनका पोस्चर इम्प्रूव हो? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ स्टाइल, आपका जो ऑक्यूपेशन है, वर्क है, स्टूडेंट हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो एक पोस्चर मेंटेन रहने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस रखनी है। आसन तो आप कर ही सकते हैं, आसन के अलावा क्या करेंगे? आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, स्लाउच पोजीशन है, नेक आगे है और लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो कोशिश करें बार बार अपनी पोजीशन पे ध्यान दें। यही एकमात्र उपाय है आपका कि आपको पोस्चर अवेयरनेस होना चाहिए। कई बार हमें लगता है नॉर्मल पोस्चर है क्योंकि हम तो ऐसे ही दिखते हैं, पोस्चर तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें सबसे पहले पोस्चर जानें कि शोल्डर की लोकेशन किधर रहती है, कमर की कैसा रहता है आपका। ये नॉर्मल नहीं होता है बिल्कुल भी शोल्डर कर्ल्ड इन रहना या शोल्डर आगे की तरफ रहना, कमर झुके रहना। आपको लगता होगा कि आप ऐसे ही स्थिति में बने रहते हैं ऑल टाइम, तो ये आपका पोस्चर है। बिल्कुल वो आपका पोस्चर हो सकता है लेकिन वो बैड पोस्चर है। तो कोशिश करें पोस्चर अवेयरनेस आपका ऑल टाइम बना रहे। मानते हैं कभी कभार भूल जाएंगे लेकिन बार बार अवेयर होने के बाद वापस सीधा अपने आप को रखें। दूसरा, आपके मसल्स वीक होते हैं, शोल्डर के मसल वीक हैं, बैक के मसल वीक हैं, तो आपकी बॉडी को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप वापस लाउच करेंगे, वापस आगे गिरेंगे, तो मसल बिल्डिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे, आसन करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जो भी आसन आपको बैक मसल को स्ट्रेंथन करते हैं उन्हें करेंगे। साथ ही साथ स्ट्रेंथन के साथ स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसल एक बार एंगेज रह जाते हैं, लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
घंटे भर पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉस्चर होने से क्या होता है, मसल्स अकड़े रह जाते हैं वहाँ के, तो स्ट्रेचिंग से पहले उन्हें ओपन अप करें, फिर स्ट्रेंथन करें ताकि आपका पॉस्चर बेटर हो पाए। थैंक यू सो मच मैम इस जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शक इसे फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, आज आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये प्रोटोकॉल हम तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने डेमोन्स्ट्रेटर को भी। वंश, आपका बेहद धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने पेश की और हमारे सभी दर्शकों को हर स्टेप बाय स्टेप हर एक योग की क्रिया कर कर दिखाई। धन्यवाद करेंगे हम हर एक दर्शक को भी जिन्होंने हमसे बातचीत की, इस कार्यक्रम में हमारा साथ हिस्सा बने, और उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। किसी भी कारणवश अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं आज शाम ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक 8:00 से 8:45 तक। आज के लिए हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से हाजिर होंगे ठीक 8:00 इसी प्लेटफॉर्म पर और लेकर आएंगे एक नया विषय और उससे जुड़ी कुछ योग की क्रियाएं। जाने से पहले बताना चाहेंगे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं नया एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए, अब वो पूरे भारत में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं 9:30 से 6:00 तक, आप चाहें तो घर बैठे बैठे उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। वेबसाइट होगी ncertbooks.ncert.gov.in। अगर आप PDF वर्जन डाउनलोड करना चाहें तो वो होगा NCERT दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। ये थी NCERT से किताबों से जुड़ी सारी जानकारी और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ये किताबें खरीद लेंगे। मैं हूँ तन्वी खुराना, मुझे दीजिए इजाज़त, उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।